नाशिक भविष्य निधि कार्यालयातर्फे EPF शा निधि आपके निकट हा कार्यक्रम आयमाच्या सभागृहात साजरा झाला। व्यासपीठावर आयमा अध्यक्ष निखिल पांचाल, सरचिटणीस ललित बूब, DD गोपाळे, BOT चेअरमन, कमिटी चेअरमन KN पाटील, EPFO आयुक्त अनिल कुमार, प्रीतम JB खैरनार, सहायक संचालक ESIC निपमचे अध्यक्ष प्रकाश बारी आदी उपस्थित होते। अनिल कुमार, प्रीतम यांनी यावेळी भविष्य निर्वाह निधी व ऑनलाईन कामकाजाची माहिती दिली। EPS 95 सेवानिवृत्तीधारकांच्या पेन्शन वाढीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे त्यांनी विश्लेषण करून सांगितले। यावेळी ऑनलाईन अर्ज भरताना येणाऱ्या अडचणींबाबत विचारलेल्या विविध शंका कुशंकांचे प्रीतम यांनी योग्यपणे निरसन केले। याबाबत आणखी काही नवीन आदेश किंवा परिपत्रक आल्यास त्याबाबत प्रेस नोट काढून तातडीने त्याची माहिती दिली जाईल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले। हमारी जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है नासिक की, ये 5 डिस्ट्रिक्ट कवर करती है। नासिक, जलगांव, अहमदनगर, धुले और नंदुरबार, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में हमारी पैरेलल टीम सेम आज उन लोग वहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं। और इसका मेन पर्पज़ क्या है कि जो भी सब्सक्राइबर, पेंशनर्स या एम्प्लॉयर्स EPF एक्ट एंड स्कीम के बारे में कुछ भी उनकी कन्फ्यूज़न है या उनकी कोई प्रॉब्लम्स है तो वो आके हमारे ऑफिशियल से मिल सकते हैं और उनके समस्याओं का निदान हो सकता है। अगर कुछ प्रॉब्लम उनकी सेम डे नहीं सॉल्व हुई तो ये हमारे ऑफिस आके कल उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके हम उनके मेंबर्स को भी बताते हैं। तो जो भी हमारा रिसेंट इनिशिएटिव है लाइक ई नॉमिनेशन फाइल करना है कि हर वर्करों को हमने यहाँ पर एक आग्रह किया है कि आप ई नॉमिनेशन फाइल करें। प्रयास के तहत आप 58 होने पर ही पेंशन स्कीम दें। जितने भी फॉर्म्स है आप ऑनलाइन भर सकते हैं। कोई भी क्लेम जो ऑनलाइन हमारे यहाँ फाइल होती है 20 दिन के अंदर में हम वो सारे क्लेम सेटल भी करते हैं और हमारे सेटलमेंट रेशियो 100% है कि हम लोग 20 दिन के अंदर सारे क्लेम उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अभी रिसेंटली एक हेड ऑफिस की गाइडलाइंस आई है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है हायर वेजेस पर पेंशन देने के बारे में। वो दोनों सर्कुलर पे भी हम लोगों ने एक पूरी डिस्कशन हुई है और जो लोगों के क्वेरीज थे वो भी इनको रिजॉल्व किया गया है। और उनको ये भी बताया गया है कि जो पेंशन कैलकुलेशन कैसे की जाएगी और पैसे कैसे ट्रांसफ़र होगी उसके लिए एक दूसरी सर्कुलर आने वाली है। लेकिन अभी जो भी सर्कुलर जारी हुई है 1/9/2014 के पहले कौन इंटाइटल है और कौन इंटाइटल नहीं है, जो प्रेजेंट सब्सक्राइबर कौन इसके तहत पात्रता है, वो सब इनको ब्रीफ कर दी गई है। और सर्कुलर की कॉपी भी इसी मीटिंग के दौरान जितने भी एम्प्लॉयर्स आए हैं उनको हैंडओवर किया गया है। और जो प्रेसिडेंट अंबड़ा एसोसिएशन के हैं इनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि अगर इन सबकी मेल आईडी देंगे तो सर्कुलर की कॉपी इनको हम सबको मेल भी करेंगे ताकि इनके कन्फ्यूजन्स जो हैं रिलेटिंग टू पेंशन ऑन हायर वेजेस ये भी रिजॉल्व हो। और इसके बारे में रेगुलर हम लोग प्रेस रिलीजेस भी दे रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सुविधा हो और लोग इसका फायदा ले पाए। आयमा तर्फे आम्ही अपील केलेले त्यांना की सगळ्या जे काही उद्योजक आणि कामगार आहेत त्यांना जेवढा बेनिफिट देता येईल तो बेनिफिट द्या। कारण भरपूर वेळा काय होतं की काही डॉक्युमेंटेशनमुळे तो बेनिफिट मिळत नाही। काही काही लोकांना त्यांचा अवेअरनेस असतो, म्हणजे माहिती पण नसतं की बाबा हे बेनिफिट आहे का अवेलेबल, तर त्यांना नक्की पोचावं। आणि त्याला काही मॅनपावर लागेल का ऑफिस स्टाफ लागेल तर आयमा ही प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत की मॅक्सिमम लोकांना हा बेनिफिट पोचावा। दुसरा, ह्याच सेमिनारमध्ये जो दुसरा विषय आहे तो आहे ESIC, जे नागसाहेब आहेत डेप्युटी डायरेक्टर ESIC ते पण आज उपस्थित आहेत। आणि जे ESIC त्यांचं काही काही स्कीम्स आहेत, आता त्यांचा जो महोत्सव आहे त्याच्यात काही काही स्कीम्स जे काही आहेत ते पब्लिसाइज करण्यासाठी ते आलेले आहेत इकडे आणि मॅक्सिमम बेनिफिट सगळ्यांना कसा मिळेल त्याच्यावरती चर्चासत्र चालू आहे आता। त्याबरोबरच ESIC सुविधा समागम हा कार्यक्रम पार पडला। उपसंचालक निश्चय कुमार नाग, सहायक संचालक जितेंद्र खैरनार, शाखा व्यवस्थापक मंगेश गुंजाळ आदी यावेळी उपस्थित होते। सुरुवातीला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उपस्थितांना कामगार विमा योजनेबद्दल मार्गदर्शन केले, नंतर प्रश्नोत्तराचा कार्यक्रम पार पडला। मंगेश महाजन, स्वप्नील कराडे आदी यावेळी उपस्थित होते। NCN साठी प्रतिनिधी सचिन दिवटे, नवीन नाशिक।